एलियल क्या होता है? एलईएल हमारा लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे न्यूनतम तापमान जितने हमारा वो सब्सटेंस जो भी हमारा सब्सटेंस है, जैसे कि अगर हम वाटर को ले लेते हैं सर, तो वाटर का एक एलईएल होता है सर, जो कि जितने मतलब एक न्यूनतम तापमान में वाटर हीट होना स्टार्ट कर देता है सर, वह हमारा एलईएल होता है सर। और यूएल के बारे में बताइए। यूएल सर होता है सर जिसमें अपर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है सर, जिसमें हमारा किसी भी सब्सटेंस का एक मतलब हीट को बर्दाश्त करने का एक अंतिम मतलब अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, किसी भी सब्सटेंस का अपर एक्सप्लोसिव लिमिट जिसमें हमारा सब्सटेंस मतलब द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ इग्निशन सोर्स इन विच अ सब्सटेंस कैच फायर इजिली, दैट कॉल्ड यूपीएल। अच्छा, परमिट क्या होता है? परमिट वर्क सर परमिट हमारा सर पीटीडब्ल्यू हमारा एक प्रोसीजर होता है सर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, जो कि हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले परमिट लेते हैं कि काम मतलब सर कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग परमिट चलिए। लेते हैं सर। अच्छा, ये बताइए परमिट कितने प्रकार का होता है? सर परमिट दो प्रकार के होता है सर, हॉट वर्क और कोल्ड वर्क। अच्छा, हॉट वर्क सर क्या होता है? यह डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वह कितने प्रकार के परमिट यूज करे। अच्छा, हॉट वर्क क्या होता है? सर हॉट वर्क होता है सर जिसमें हमारा इग्निशन सोर्स की उत्पत्ति होती है, तो हॉट वर्क उसको हॉट वर्क बोलते हैं सर। अच्छा, कोल्ड वर्क? सर कोल्ड वर्क होता है सर जिसमें मतलब जिसमें ज्यादा मतलब कोल्ड वर्क में इग्निशन सोर्स नहीं होता है सर। अच्छा, एग्जांपल बताइए कोल्ड वर्क का। सर कोल्ड वर्क का एक्सकावेशन बोल देंगे सर, एक्सकावेशन हो सकता है सर कोल्ड वर्क में, और एक्सकावेशन स्कैफोल्ड वर्क बोल सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? सर सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? समझे नहीं है सर। पता नहीं है सैंड ब्लास्टिंग के बारे में? चलिए नहीं सर ये तो भूल रहे हैं सर। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए ग्राइंडिंग में किस तरह के प्रिकॉशन चाहिए? ग्राइंडिंग में हम सर ग्राइंडिंग करते हैं सर, तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे ग्राइंडिंग क्यों करते हैं सर। तो ग्राइंडिंग हम लोग जो वेल्डिंग होता है सर हमारा, तो जो वेल्डिंग का जो मटेरियल होता है वह मतलब टघर के कह सकते हैं पिघल के, और मतलब जैसे कि मोमबत्ती का मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसमें से जल के और वह नीचे आ जाता है, उसका एक तो आकार बन जाता है। अच्छा, तो उसको हम लोग खत्म करने के लिए पहले चीटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ग्राइंडिंग करते हैं सर। तो ग्राइंडिंग करने का जो प्रिकॉशंस होता है सर, उसको जो हमारा ग्राइंडर होता है वो उसका जो व्हील होता है वो गार्ड उसके व्हील के ऊपर गार्ड लगा होना चाहिए, जो हमारा ग्राइंडर जो भी हमारा ग्राइंडर का ऑपरेटर होता है उसको ग्लव्स और गॉगल्स मास्क अच्छा, और अप्रोन सेफ्टी शूज ओके। ये सब प्रोवाइड कराया जाता है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में किस तरह के ग्रीस यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल में किस तरह के ग्रीस यूज किया जाता है?
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर कोई है तो उसमें किस तरह के ग्रीज का यूज किया जाता है? ये तो मालूम नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं,